नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15, ठीक है। एलिमेंट कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक। इनमें से अगर हम इनके बारे में देखें तो दीज टू मेटल्स आर कंसिडर्ड एज नॉन मेटल, दीज टू एलिमेंट आर कंसिडर्ड एज नॉन मेटल, ठीक। आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर कंसिडर्ड एज मेटलॉइड एंड बिस्मथ इज कंसिडर्ड एज मेटल, ठीक। जो इनका एक पॉपुलर नेम है वो है निकोजेंस। निकोजेंस इज दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और ग्रीक में इसका मतलब होता है सफोकेटिंग। तो सफोकेटिंग होने की वजह से इनको कंबाइंडली ग्रुप 15 को निकोजेंस बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन फैमिली को चालकोजेंस बोलते हैं, हैलोजन जो है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इसको हैलोजन फैमिली बोलते हैं, वैसे इनको निकोजेंस बोला जाता है। तो इसमें जो एलिमेंट है पांच, उनमें शुरू में दो एलिमेंट कौन से हैं? नॉन मेटल, देन मेटलॉइड और उसके बाद मेटल, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये देख रहे हैं कि इनका अकरेंस किस तरीके से है। नाइट्रोजन जो है वो एटमोस्फेयर में N2 की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, जबकि फास्फोरस जो है सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है P4 सॉलिड, ठीक। शुरू के पहला एलिमेंट जो है वो गैस स्टेट में है, जबकि बाद में जो एलिमेंट है वो सॉलिड, अकॉर्डिंगली नीचे भी जो है सॉलिड स्टेट में ही है, ठीक है। तो पहला एलिमेंट जो है वो एक डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है नाइट्रोजन। उसका कारण ये होता है कि नाइट्रोजन इज स्मॉल इन साइज, इट इज स्मॉल इन साइज, तो इट कैन डू मोर ओवरलैपिंग। किस तरह की ओवरलैपिंग ज्यादा कर सकता है? इट कैन डू मोर ओवरलैपिंग P pi बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, ठीक है। तो इसलिए इजीली ये क्या बना लेता है? ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से, ठीक है। तो ये N2 फॉर्म में पाया जाता है। अब अगर हम N2 को देखें तो N2 के दो मॉलिक्यूल के बीच में आपस में किस तरह का अट्रैक्शन होता है? नॉन पोलर है ये, तो इसलिए इनके बीच में बहुत ही वीक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं वांडरवाल फोर्स। और वांडरवाल फोर्स में भी एक स्पेशल टाइप होता है इसमें, दैट इज कॉल्ड एज लंडन डिस्पर्शन फोर्स, ठीक। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स की वजह से N2 इज फाउंड इन गैसी स्टेट। तो नाइट्रोजन गैस जो है एटमोस्फेयर में पाई जाती है और ऑलमोस्ट ये 78% होती है इन एयर। तो एयर में जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वो कौन सी है? नाइट्रोजन गैस, और परसेंटेज इसकी कितनी होती है? 78%। नाइट्रोजन गैस को हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट इनर्ट गैस, ऑलमोस्ट इनर्ट गैस नहीं बोल रहा हूं मैं इसे, इट इज ऑलमोस्ट इनर्ट गैस। इसका कारण ये होता है रिएक्टिविटी इज वेरी लेस, इट इज वेरी लेस रिएक्टिविटी इज वेरी लेस। तो एटमोस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही ज्यादा पाई जाती है और रिएक्टिविटी उसकी बहुत कम होती है। उसका कारण क्या होता है कि N ट्रिपल बॉन्ड N जो है अगर हमें इसको रिएक्टिव करना है तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाई। तो इसलिए क्या होता है कि नाइट्रोजन जो एलिमेंट होता है, ठीक है, वो नेचर में तो किस मोस्ट स्टेबल फॉर्म में है? N2 फॉर्म में। N2 इज गैस बिकॉज ऑफ वांडरवाल फोर्स, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है। और N2 की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है क्योंकि ये टूटेगा तो ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा जिसमें हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक। तो ये तो जो सबसे पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन वो नेचर में किस फॉर्म में है? N2 फॉर्म में। सेकेंड एलिमेंट जो फास्फोरस है ये किस फॉर्म में पाया जाता है? P4 फॉर्म में सॉलिड, जो कि व्हाइट होता है। नेचर में दो एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक। एक तो होता है नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। ये सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन 14। ऐसे ही जो फास्फोरस है इसके तीन एलोट्रॉप है,
एलोट्रोप हम किसको बोलते हैं कि एलिमेंट की जो प्योर फॉर्म होती है, कोई भी एलिमेंट नेचर में जिस प्योर फॉर्म में मिल रहा है केवल वही एलिमेंट होना चाहिए अकेला। जैसे ऑक्सीजन के दो एलोट्रोप हैं O2 और O3, अकेला सिर्फ ऑक्सीजन ही पड़ा हुआ है। फास्फोरस के एलोट्रोप हो गए, कार्बन जो है कार्बन 14, ठीक है, या कार्बन 12 पाया जाता है, तो ये आपस में एलोट्रोप कहलाएंगे। तो इसके 3 एलोट्रोप हैं, इसके होते हैं व्हाइट, रेड और ब्लैक। इनमें से नेचर में पाया जाने वाला सिर्फ व्हाइट है, ये नेचुरल है, केवल व्हाइट फास्फोरस ही नेचर में पाया जाता है, जबकि ये दोनों आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियली मेड, बनाया इसी से जाता है व्हाइट से, ठीक है। अगर हम व्हाइट फास्फोरस देखें तो व्हाइट फास्फोरस फाउंड इन P4 फॉर्म। तभी ये प्रश्न उठा कि नाइट्रोजन तो N2 फॉर्म में मिल रहा है, जबकि फास्फोरस किस फॉर्म में मिल रहा है? P4 फॉर्म में, ठीक है। इसका कारण समझ रहे हैं हम कि फास्फोरस का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, P4 का स्ट्रक्चर है ये वाला, ये फास्फोरस फास्फोरस फास्फोरस, ठीक। यहां पे हर एक पे एक लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, और हाइब्रिडाइजेशन P4 का होता है SP3। इसमें जो एंगल होता है यहां पे इट इज ऑलमोस्ट 60 डिग्री, और ये एंगल इतना कम होता है कि इसमें एंगल स्ट्रेन इज वेरी हाई, इज वेरी हाई, सो इट इज वेरी मच रिएक्टिव, वेरी मच रिएक्टिव। वेरी मच रिएक्टिव का मतलब यह है कि अगर हम व्हाइट फास्फोरस को एटमोस्फेयर में खुला छोड़ दें तो तुरंत ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और खुद जलने लग जाता है, और ये ऑक्साइड बना लेगा P4O10। इस इवेंट को हम बोलते हैं फास्फोरेंस, यानी कि फास्फोरस किसी में पड़ा हुआ है व्हाइट फास्फोरस, तो धीरे धीरे करके वो ऑक्सीडाइज होता जाएगा, जलता जाएगा, ठीक है ना, और इस वजह से वो चीज जिसमें भी फास्फोरस पड़ा हुआ है वो चमकती हुई दिखाई देगी, ठीक ना। तो चमकती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन की हेल्प से। अब हम ये बोल रहे हैं कि फास्फोरस इज फाउंड इन P4 फॉर्म व्हाइल नाइट्रोजन इज फाउंड इन N2 फॉर्म, तो उसके लिए दो रीजन अपन जिम्मेदार कह सकते हैं कि अगर मैं नाइट्रोजन के केस में देखूं तो नाइट्रोजन हैज ए यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म P pi बॉन्डिंग, क्योंकि ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, साइज छोटा होगा तो ऑर्बिटल पास पास में होंगे और इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो नाइट्रोजन कैन इफेक्टिवली ओवरलैप टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है, जबकि फास्फोरस के केस में वैसा नहीं है, ठीक है। अगर मान लो मैं बोलूं कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड में मिल जाए तो नाइट्रोजन के लोन पेयर बहुत नजदीक होंगे और इस वजह से इसमें रिपल्शन हाई होगा, और हाई रिपल्शन की वजह से NN सिंगल बॉन्ड इज नॉट स्टेबल, इज नॉट स्टेबल। तो इसलिए NN सिंगल बॉन्ड नहीं पाया जाता है जबकि PP सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो लोन पेयर है ये एक दूसरे से बहुत दूर है तो इनके बीच का रिपल्शन कम होगा और ये सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड में नहीं आकर वो क्या बना लेता है? ट्रिपल बॉन्ड, और वहां से लोन पेयर उस पर जो है एक तरह से कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, रिपल्शन कम हो जाएगा, ठीक। तो नाइट्रोजन फाउंड इन N2 फॉर्म, फास्फोरस फाउंड इन P4 फॉर्म। फास्फोरस के 3 एलोट्रोप हमने देख लिए, व्हाइट, रेड और ब्लैक। व्हाइट नेचुरल जो कंपाउंड पाया जाता है, तो इसलिए जब हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स में तो केवल व्हाइट फास्फोरस क्यों लेते हैं, वहां पे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 मानते हैं एलिमेंट का मोस्ट स्टेबल फॉर्म का, जबकि उसका एक्सेप्शन है व्हाइट फास्फोरस, सबसे स्टेबल नहीं है लेकिन उसके बाद भी इसको मानते हैं। तो इन तीनों में अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है व्हाइट लेस देन रेड लेस देन ब्लैक फास्फोरस के अंदर, ठीक। हम किसकी बात कर रहे हैं? फास्फोरस के 3 एलोट्रोप की, जो कौन कौन से हैं? व्हाइट, रेड और ब्लैक। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं
तो ये तो हमने देखा अकेरेंस किस किस में है कि नाइट्रोजन जो है वो N2 फॉर्म में गैस है जबकि फास्फोरस सॉलिड है जिसके तीन एलोट्रोप है व्हाइट ब्लैक और रेड। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है जनरल कॉन्फिगरेशन। जनरल कॉन्फिगरेशन इसका होता है NS2NP3 हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फिगरेशन, यानी इनके वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम ये कितने बॉन्ड बना सकता है 5 बॉन्ड, ठीक है। यानी कि जैसे मैं एग्जांपल लूं, अच्छा सबसे इजी तरीके से अगर निकाला जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं सबसे आउटर। तो फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके बेसिस में एक्सप्लेन कर रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी लाई करती है -3 से लेकर +5 तक, ठीक। जैसे एग्जांपल नाइट्रोजन जो है वो NH3 फॉर्म में भी पाया जाता है और N2O5 फॉर्म में भी पाया जाता है। यहां अगर मैं ऑक्सीडेशन देखूं नाइट्रोजन का तो कौन सा है माइनस। तो नाइट्रोजन जो होता है कंपाउंड ये N3- आयन बनाता है, P-3 आयन बनाता है, इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज नाइट्राइड एंड दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फाइड। तो -3 स्टेट वाले आयन क्यों बने, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ऑक्टेट कंप्लीट होते ये किसके जैसा बन जाएगा इनर्ट गैस जैसा। तो इनर्ट गैस जैसा बनने के लिए ये एलिमेंट क्या कर रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होगी और -3 से लेकर कहां तक जाएगी +5 तक। क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और पांचों दे दे तब भी इनर्ट गैस बन सकता है ना, ठीक है। तो या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले ले इनर्ट गैस बनने के लिए या फिर 5 इलेक्ट्रॉन दे, ठीक। तो इनकी जो कॉमन स्टेट, अब जैसे फास्फोरस का एग्जांपल लेता हूं मैं कि फास्फोरस PCl3 भी पाया जाता है PCl5 भी पाया जाता है। फास्फोरस PCl3 जो है इसमें स्टेट +3 और इसमें स्टेट +5। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन देता है केवल तो +3 स्टेट में आ जाएगा और अगर ये पांचों दे देता है तो कौन सी स्टेट में आ जाएगा +5। कि PCl5 इज फाउंड बट NCl5 इज नॉट फाउंड, तो उसका कारण हम क्या लिखते हैं कि नाइट्रोजन के पास जो है अगर नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखूं मैं 1s2 2s2 है कि PCl5 जो है दैट इज फाउंड इन नेचर बट NCl5 इज नॉट फाउंड। उसका रीजन ये बोलते हैं कि नाइट्रोजन डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने से ये एक्सपेंड नहीं कर पाता है और NCl5 इज नॉट फाउंड। तो वैसे अपन बात करें 2p एलिमेंट की, 2p और 3p में एक मेजर डिफरेंस होता है कि 3p वाले एलिमेंट अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करूं तो ऑक्सीजन H2O बनाता है जबकि सल्फर जो है या OF2 बनाता है, जबकि सल्फर जो है SF6 भी बना सकता है। तो जस्ट नीचे वाला एलिमेंट जो है वो ज्यादा रिएक्टिविटी रखता है, ज्यादा एटम से बॉन्डिंग करता है, उसका कारण कि उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं नीचे वाले में। तो नाइट्रोजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने से ही NCl5 नहीं बना पाता है, ठीक। ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर अपन देखें तो ये +3 स्टेट, जैसे मैं नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं यहां पे ग्रुप में तो हम ये बोलते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ +5 स्टेट डिक्रीजेस व्हाइल स्टेबिलिटी ऑफ +3 इंक्रीजेस। ये जो फिनोमिना है कि +5 का स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है नीचे जाने पे और +3 का बढ़ता जा रहा है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट किसको बोलते हैं हम, कि जो इनका कॉन्फ़िगरेशन है जनरल NH2NP3, इसमें अगर NH2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट बन जाए
इनर्ट बन जाने का मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे, ठीक है। तो अगर ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो केवल तीन ही पार्टिसिपेट करेंगे, तो उस केस में स्टेट कौन सी शो करेगा? प्लस थ्री। तो नीचे जाने पर ऐसा होता है कि जब न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से ये एनएस इलेक्ट्रॉन को मजबूती से बांध के रखेगा और इनको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा और ये क्या बन जाएंगे? इनर्ट। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट, और ये सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है लास्ट वाले एलिमेंट। तो अगर हम बिस्मथ की बात करें तो बिस्मथ के लिए प्लस थ्री स्टेट इज मोर स्टेबल देन बिस्मथ प्लस फाइव स्टेबिलिटी। ये चीज कहां से देखी गई है कि इन नेचर BiF3 इज फाउंड बट BiF5 इज नॉट फाउंड। तो उसका कारण हम क्या देते हैं कि बिस्मथ के लिए प्लस थ्री स्टेट जो है वो ज्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू प्लस फाइव। तो अगर ये बना भी तो ये तुरंत किसमें बदल जाएगा? प्लस थ्री स्टेट में। तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि कहां से कहां तक वेरी कर रही है, माइनस थ्री से लेके प्लस फाइव तक। माइनस थ्री इसलिए ताकि इनर्ट गैस बन जाए तीन इलेक्ट्रॉन लेकर, और प्लस फाइव इसलिए ताकि पांचों इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी शेल में पड़े हुए हैं उनको देकर ही इनर्ट गैस जैसा बन जाए। तो दो तरीके से स्टेबिलिटी गेन कर सकता है, या तो माइनस स्टेट में या प्लस स्टेट में। तीसरा हम देख रहे हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में क्या होता है कि अगर हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाएं नीचे ग्रुप में, तो रूल ये है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं शेल का नंबर बढ़ता जाता है और एन की वैल्यू बढ़ेगी तो रेडियस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। चौथा मैं दे रहा हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दूं मैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जितना बड़ा एटम होगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। तो नाइट्रोजन से अगर हम बिस्मथ की तरफ जाएं तो रेडियस इंक्रीज करती जाती है और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती जाती है। अगर मैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करूं, जैसे कार्बन फैमिली से कंपेयर करें अपन, तो कार्बन फैमिली से या ऑक्सीजन फैमिली से भी कंपेयर करूं, तो जैसे पहले पीरियड में क्या होता है कि कार्बन लेस देन ऑक्सीजन लेस देन नाइट्रोजन, ये एक्सेप्शन है। होना क्या चाहिए था कि जब हम बोल रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ग्रुप में पीरियड में इधर जाने पे बढ़ती जाती है, ठीक, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होना चाहिए था। तो ये एक्सेप्शन क्यों है कि ऑक्सीजन में कॉन्फिगरेशन होता है 2p4 जबकि नाइट्रोजन में कॉन्फिगरेशन होता है 2p3। P3 को हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज हाफ फील्ड, एंड हाफ फील्ड स्ट्रक्चर्स आर स्टेबल स्ट्रक्चर। तो बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी नाइट्रोजन जो है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है, इसलिए नाइट्रोजन का आई ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। समझ गए एक्सेप्शन क्यों है? होना चाहिए था ऑक्सीजन के ज्यादा, पर होता है नाइट्रोजन का ज्यादा। I1 का मतलब ये होता है कि हम पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2p3, इसका है 2p4। अब हमने ये पढ़ लिया है कि इट इज स्टेबल, तो IE1 इसका ज्यादा होगा नाइट्रोजन का। अगर हम कंपेयर करें IE2 को, तो IE2 में से वो कब कंपेयर करेंगे कि पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया O+, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया N+। अब कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाएगा 2p2 और ये बन जाएगा 2p3। अगर दोनों को कंपेयर करें तो इट इज हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड होने की वजह से इट इज मोर स्टेबल। तो अगर हमसे IE2 का ऑर्डर पूछ लिया जाए, IE2 का मतलब क्या होता है? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो वो किसका ज्यादा होगा? ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज्यादा। ये क्वेश्चन यहां से बनता है, समझिए बात को। जब हम IE2 देखेंगे इसका मतलब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, तो एक हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। तब मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो इट इज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। ये अपन जो है आई कंपेयर कर रहे हैं इसका। ये चीज तो आप समझ ही गए हैं कि ऑक्सीजन फैमिली से कंपेयर करेंगे तो
तो ऑक्सीजन से नाइट्रोजन फैमिली का ज्यादा है स्टेबिलिटी की वजह से। ठीक, पांचवी जो प्रॉपर्टी है यह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। एटम जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक, तो हमने ये देखा कि नाइट्रोजन से जब हम बिस्मत की तरफ जाते हैं नीचे की तरफ तो रेडियस की वैल्यू बढ़ती जाती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। यानी जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ये कॉमन फिनोमिना है। लेकिन लास्ट वाले जो दो एलिमेंट है एंटीमनी और बिस्मत, इन दोनों की सेम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 1.9। ठीक, तो वैसे ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पे डिक्रीज कर दिया। छठी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं डेंसिटी। तो नाइट्रोजन से हम बिस्मत की ओर जा रहे हैं नीचे तो डेंसिटी इंक्रीजेस। अब डेंसिटी इंक्रीज क्यों करती है, एज मास इंक्रीजेस, मोलर मास इंक्रीजेस। तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो नीचे जाने पे मास अगर बढ़ता जाएगा तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक, ये हो गया डेंसिटी। इसके बाद सेवन प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं नेक्स्ट यहां पे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। नोट कीजिए, जिनका समरी ये है कि नेचर में नाइट्रोजन तो N2 फॉर्म में, गैस फॉर्म में, फास्फोरस सॉलिड फॉर्म में, P फॉर्म में। शुरू के दो एलिमेंट नॉन मेटल, बाद के दो मेटलॉइड और उसके बाद मेटल आ जाता है। ठीक, जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3, ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से लेकर +5। और इनर्ट पेयर इफेक्ट इसमें भी होगा, नीचे जाने पर +5 का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, +3 का बढ़ता जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम देख रहे हैं इसमें नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अगर ये एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो E+H2 से हम बनाते हैं EH3 हाइड्राइड। यानी कि इनमें अगर अपन देखें तो कौन कौन से हाइड्राइड पॉसिबल है, NH3, PH3, ऑर्सेनिक H3, एंटीमनी H3, बिस्मत H3। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो इनमें हम कई सारी चीजें चेक करेंगे, जैसे सबसे पहले तो मैं चेक कर रहा हूं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली रिलेटेड होती है एटम की साइज से, और साइज नाइट्रोजन का सबसे छोटा है। तो बॉन्ड लेंथ अमोनिया मोर देन PH3, मोर देन SH3, मोर देन SBH3, ये हो जाएगा ऑर्डर। दूसरा हम इसमें देख रहे हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या मतलब होता है कि बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो बॉन्ड जितना मजबूत होगा ये एनर्जी उतनी हाई होगी, और बॉन्ड कब मजबूत होता है, जब वो शॉर्टर होता है। तो सबसे शॉर्ट बॉन्ड ये है तो एनर्जी सबसे ज्यादा यहां लगने वाली। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर उल्टा है, एक्चुअली ये उल्टा लिख दिया मैंने। बॉन्ड लेंथ एटम की साइज पे डिपेंड करेगा, तो SBH3 सबसे ज्यादा। ठीक, तो सबसे लंबा बॉन्ड ये होगा, सबसे वीकर होगा। ठीक, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जस्ट रिवर्स हो जाएगा, अमोनिया ग्रेटर देन PH3, SH3 और SBH3। ये चीज नोट कीजिए बराबर, सबसे छोटा है साइज की वजह से तो ये सबसे मजबूत होगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा है इसकी। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं तीसरा पॉइंट एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर हाइड्राइड में देखते हैं अपन तो नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक, तो पहले मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखूं कि अमोनिया से हम जा रहे हैं BiH3 तक, तो हमें बोलेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस
स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो फिर इसका उल्टा बोल दूं मैं कि बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस डिक्रीजेस, ठीक। इसका मतलब मैं कंक्लूजन ये निकाल रहा हूं कि अमोनिया इज मोर बेसिक देन PH3, ये बेसिक स्ट्रेंथ, अमोनिया इज मोर बेसिक देन PH3, ठीक। तो अमोनिया बेसिक क्यों है उसका एक और कारण होता है, ठीक, कि अगर मैं अमोनिया को कंपेयर करता हूं PH3 SH3 SBH3 के साथ, तो ड्रेगो रूल ये एक्सप्लेन करता है कि यहां बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है और यहां तीनों में यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा जबकि यहां पर नो हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड। ये बॉन्डिंग का एक एक्सेप्शन है कि इन तीनों में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं पाया जाता है, इट इज ड्रेगो रूल। वो ये बोलता है कि इनमें बॉन्ड एंगल PH3 में क्लोज टू 90 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल का डेविएशन आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल से बहुत ज्यादा हो गया है। आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल होता है 109 डिग्री, तो बहुत ज्यादा डेविएशन की वजह से इन तीनों में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं माना गया है इसके अंदर। यानी यहां यह बोला जाता है कि प्योर ऑर्बिटल्स विल डू ओवरलैपिंग। अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं किसका क्या मतलब है। अमोनिया में तो हम ये लिखते हैं कि अमोनिया में 2s2 उसके बाद 2p3, ये s ऑर्बिटल, ये p, ये चारों आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं और इंटरमिक्सिंग करने के बाद ये हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं sp3। तो जो अमोनिया में लोन पेयर होता है, अमोनिया में किस तरीके से होता है शेप, ये एक लोन पेयर, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अमोनिया का शेप क्या होता है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, और शेप हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल, इट इज द शेप ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया के केस में तो हम ये बोलते हैं कि नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है इट इज इन sp3 ऑर्बिटल, जबकि PH3 में हमें बोलते हैं कि वहां हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं, और हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो जो लोन पेयर इसमें पड़ा होता है PH3 में HHH, तो ये लोन पेयर पड़ा होता है इन प्योर एस ऑर्बिटल, और प्योर एस ऑर्बिटल में होगा सिंस एस ऑर्बिटल इज मोर क्लोजर, तो ज्यादा क्लोज होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी। ध्यान देना मैं क्या चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अमोनिया इज मोर बेसिक देन PH3। उसको मैं किसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अमोनिया में तो लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है जबकि PH3 में लोन पेयर प्योर एस ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, और अगर ये ज्यादा पास होगा न्यूक्लियस के तो यहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से PH3 अपने लोन पेयर को आसानी से नहीं दे पाता है। जो कंपाउंड लोन पेयर देता है उसे हम बेसिक बोलते हैं, अगर आसानी से लोन पेयर नहीं दे पाएगा तो कम बेसिक होगा। तो ये हमने एक्सप्लेन क्या किया है कि नीचे जाने पे बेसिक नेचर डिक्रीज करती जाती है, और इसको आप सिंपल कैसे याद कर सकते हो कि हाइड्राइड के अंदर जब अपन पीरियड में जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जब हम ग्रुप में जाते हैं तब भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है हाइड्राइड के केस में। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, हाइड्राइड। तो नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर, तो अमोनिया इज मोर बेसिक देन PH3, ये कंक्लूजन है। रीजन यहां पे एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक। रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर अगर मैं इन सब में कंपेयर करूं तो अमोनिया से हम जा रहे हैं BiH3 तक, तो इसके लिए हम बोलते हैं कि रिड्यूसिंग पावर नीचे जाने पर रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस। रिड्यूसिंग हम किसको बोलते हैं, जो दूसरे को हाइड्रोजन दे सके, ठीक है। तो इसका रीजन हम ये बोलते हैं कि BiH3 में जो है जो बॉन्ड होगा ये लॉन्गर होगा,
और लॉन्गर होने की वजह से ये क्या होगा, वीकर। और जितना ज्यादा वीक होगा उतनी आसानी से टूट के क्या दे सकता है, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाइड्रोजन देने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, तो बहुत इजीली ये हाइड्रोजन दे पाएगा, इसलिए रिड्यूसिंग पावर इसकी सबसे ज्यादा है। समझिए बात को, बॉन्ड एंगल हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अमोनिया से अगर मैं जा रहा हूं BiH3 तक तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, अमोनिया का, और सबसे कम किसका होगा, BiH3 का। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अमोनिया के केस में ऐसा होता है कि अमोनिया की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ये क्या करता है, बॉन्ड पेयर को खींचता है ज्यादा, और जैसे बॉन्ड पेयर खींच के इसके पास में आएंगे इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं मोर रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर, बिटवीन बॉन्ड पेयर। एक बार समझ लें क्या बोल रहा हूं मैं, अमोनिया में क्या होगा कि नाइट्रोजन अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इन बॉन्ड पेयर को ज्यादा नजदीक रखेगा, और जैसे जैसे बॉन्ड पेयर पास आते जाएंगे इनमें रिपल्शन बढ़ता जाएगा और बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा, तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, अमोनिया का बॉन्ड एंगल मैं कंपेयर करता हूं CH4 से, CH4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और बॉन्ड एंगल इसका होता है 109 डिग्री, जबकि अमोनिया में बॉन्ड एंगल हम ये बोल रहे हैं कि ये बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री। तो ये कम क्यों हो गया है, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि ये लोन पेयर रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर को ज्यादा, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो उस रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा सा श्रिंक होके एंगल इसका 160 डिग्री हो जाता है। समझ बात, ये किससे कंपेरिजन किया है मैंने, CH4 से, तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम है बट बॉन्ड एंगल इसका स्लाइटली रिड्यूस हो जाता है। विद हैलोजन, इसमें हैलोजन से जब ये रिएक्शन करते हैं तो दो तरह के कंपाउंड बनाते हैं मेजर, एक कंपाउंड में लिख दूं EX3 और एक लिख देता हूं EX5। इसका मतलब क्या हुआ, 3 हैलोजन या फिर 5 हैलोजन। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूं PCl3 या फिर मैं एग्जाम्पल ले लूं PCl5। तो फास्फोरस +3 स्टेट में भी होता है, फास्फोरस +5 स्टेट में भी पाया जाता है। ठीक, क्या हाल कि हैलोजन के साथ दो तरह के कंपाउंड बनाता है EX3 और EX5। ठीक, तो मैं एक चीज तो पहले ही बता चुका हूं कि नाइट्रोजन जो है वो NCl5 नहीं बना पाता है, उसका रीजन क्या था, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक, अगर हम इन दोनों कंपाउंड को कंपेयर करते हैं PCl3 और PCl5 को, तो PCl3 का स्ट्रक्चर होगा Cl3 और एक ही लोन पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 और ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। जबकि PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके से बना दूं मैं Cl, ये Cl, Cl, Cl। PCl5 में दो तरह की पोजीशन होती है, एक तो होती है एक्सियल, एक होती है इक्वेटोरियल। ठीक, तो इसमें हम ये बोलते हैं कि दिस बॉन्ड इज लॉन्गर एंड लॉन्गर बॉन्ड इज वीकर। इसका पता हमें कैसे लगता है प्रैक्टिकली, कि अगर हम PCl5 को गर्म करने लग जाएं, तो होता यह कि ये बॉन्ड जो है क्लोरीन यहां जो लगा हुआ है, ये वाला और ये वाला क्लोरीन, ये बॉन्ड लॉन्गर है और वीकर है, तो आसानी से टूट जाएगा और दोनों क्लोरीन अलग हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ Cl2 और यहां से क्या बन जाएगा, समझ बात हो। तो PCl5 जो है इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
ट्राइगोनल बाइपिरामिड. और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d. अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें कि ज्यादा आयनिक करेक्टर या ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर कहां ज्यादा होगा, तो pcl3 हैज लेस कोवेलेंट करेक्टर देन pcl5. इसको हम एक्सप्लेन करते हैं किसके बेसिस पे? फजान रूल के बेसिस पे. वहां हम ये बोलते हैं कि फास्फोरस +5 स्टेट में है, +3 स्टेट में. कैटायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही वो छोटा होता जाएगा और उतना ही ज्यादा वो पोलराइजेशन कर पाएगा. जितना ज्यादा वो पोलराइजेशन करेगा कोवेलेंट करेक्टर उतना ही हाई होगा. तो मैं ये कह सकता हूं जनरल कि लोअर स्टेट में और हायर स्टेट में कंपेयर करूं तो यहां पे कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होने वाला है. ठीक है, रिलेटिवली है तो ये दोनों ही कोवेलेंट, और इन दोनों में भी मैं आपस में कंपेरिजन कर रहा हूं कि pcl5 इज मोर कोवेलेंट. अगर cl- रिएक्शन करा दे तो ये बदल जाता है pcl6- में. ठीक है, इसका मतलब यहां पे ये काम करता है लुईस एसिड की तरह और ये काम कर रहा है लुईस बेस की तरह, और इन दोनों के मिलने से ये चीज बनी है एडक्ट. अब pcl5 एडक्ट क्यों बना सकता है? क्योंकि इसके पास फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं. तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये आसानी से लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है क्लोरीन से. लोन पेयर देने वाला लुईस बेस और लेने वाला लुईस एसिड, और जब एसिड और बेस ये करेंगे तो एक तरह से सॉल्ट बनाएंगे जिसको हम एडक्ट बोलते हैं यहां पर इस केस में. ठीक है, तो ये pcl6- बना सकता है. अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करूं तो ये होगा sp3d2 और शेप होगी इसकी ऑक्टाहीड्रल. pcl5 का हाइब्रिडाइजेशन अभी हमने क्या देखा है? अगर pcl5 गैस है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d. लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में pcl5 सॉलिड लिख दिया जाए तो सॉलिड में दो तरह के आयंस पाए जाते हैं, pcl6- और pcl4+. हाइब्रिडाइजेशन कंपेयर करें तो sp3d2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3. ये हो जाएगा ऑक्टाहीड्रल और ये हो जाएगा टेट्राहीड्रल. तो pcl3 का हाइड्रोलाइसिस करवा दूं. हाइड्रोलाइसिस मींस रिएक्शन विद वाटर. तो होता यह है कि वाटर का OH- क्लोरीन को रिप्लेस करके यहां से बनाता है POH3+3HCl. ठीक, POH3 को मैं लिख सकता हूं H3PO3. दिस इज कॉल्ड एज फास्फोरस एसिड. ठीक, और यहां पे मैकेनिज्म ये होता है इसका कि फास्फोरस के पास जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, यहां पे वैकेंट डी. तो जैसे ही वाटर इसके पास में आता है तो वाटर पे दो लोन पेयर हैं और दो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है. इस तरीके से वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर है तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी और उसी समय क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ चला जाता है. तो अल्टीमेटली क्या होगा कि क्लोरीन विल बी रिप्लेस बाय OH-, तो क्या बन जाएगा? POH3 और 3HCl. तो ये पूछा जा सकता है कि हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा. अगर मैं pcl5 का हाइड्रोलाइसिस कराऊं, सेम मैकेनिज्म है कि यहां से OH- इसको रिप्लेस कर देगा और कंपाउंड क्या बन जाएगा? POH5+5HCl. अब ये अनस्टेबल है क्योंकि 5 OH एक साथ लगे हुए हैं, तो एक वाटर मॉलिक्यूल ही एलिमिनेट करेगा और ये बनेगा H3PO4, यानी इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड. तो ये अपने हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस देख रहे हैं. मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैं लू NCl3 का हाइड्रोलाइसिस. अब यहां थोड़ा सा डिफरेंट होता है हाइड्रोलाइसिस. इससे पहले हमने देखा था कि क्लोरीन हटेगा और OH लग जाएगा, यहां उल्टा होता है. यहां क्लोरीन हटेगा और हाइड्रोजन लग जाएगा, तो ये बनाता है अमोनिया +3HOCl. इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है. ये क्या करता है
नाइट्रोजन Cl, 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 इसके पास होता है लोन पेयर, तो ये वाटर के हाइड्रोजन के साथ एज बॉन्डिंग करने लग जाता है। ध्यान देना यहां क्या हो रहा है, यहां वाटर का OH आके लग गया इसके साथ, और वाटर का H प्लस Cl माइनस के साथ चला गया और क्या बना दिया, HCl। लेकिन NCl3 में क्या होगा कि नाइट्रोजन पे अटैक करेगा हाइड्रोजन वाटर का, और ये हाइड्रोजन लग जाएगा इसके साथ और यहां से अलग हो जाता है HOCl, यहां से ये चीज। तो NCl3 का हाइड्रोलाइसिस होगा तो उससे अमोनिया रिलीज होगी, जबकि इनसे क्लोरीन हटकर OH लग जाएगा, ये डिफरेंस है। और NF3 के लिए हमें बोलते हैं कि NF3 डज नॉट शो हाइड्रोलाइसिस, नो हाइड्रोलाइसिस, NF3 डज नॉट शो हाइड्रोलाइसिस। उसका कारण एक होता है कि NF3 इज ऑलमोस्ट नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर हम इसलिए बोलते हैं इसे क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट फ्लोरीन का अवे फ्रॉम द नाइट्रोजन और लोन पेयर का अवे फ्रॉम द नाइट्रोजन, तो ऐसा होता है कि डाइपोल मोमेंट नेट एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और इट इज ऑलमोस्ट नॉन पोलर। तो ऑलमोस्ट नॉन पोलर होने की वजह से क्या होता है कि वाटर के साथ एच बॉन्डिंग नहीं बना पाता है। ये वाटर के साथ क्या हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज एच बॉन्डिंग। तो NCl इज, NCl3 इज हाइड्रोलाइज इन वाटर। तो देखो यहां से क्या क्वेश्चन बना कि NCl3 पानी में हाइड्रोलाइज होगा कि नहीं होगा, तो आंसर इज यस। किस वजह से हाइड्रोलाइसिस होगा, एच बॉन्डिंग की वजह से। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म बाय हाइड्रोलाइसिस, तो इज अमोनिया गैसेस। व्हाइल NF3 डज नॉट शो हाइड्रोलाइसिस बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट नॉन पोलर, और नॉन पोलर होने की वजह क्या है कि NF3 में डाइपोल मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो उस वजह से कैंसिल करके एक दूसरे को नेट डायपोल मूवमेंट ऑलमोस्ट जीरो कर देते हैं इसमें। तीसरा हम देख रहे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि नाइट्रोजन तो ऑलमोस्ट इनर्ट है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से इजीली रिएक्ट नहीं करता है, ठीक ना। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर हम ऑलमोस्ट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करवाएं तो ये एनो फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फास्फोरस के लिए हमने देखा है कि व्हाइट फास्फोरस कैन इजीली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म P4O6 एंड P4O10। कम ऑक्सीजन होगी तो P4O6 बनाएगा, ज्यादा होगी तो P4O10 बनाएगा। अब इनमें जो मेजर ऑक्साइड है इनके E प्लस O2 से, वो ये बनाते हैं या तो E2O3 बनाते हैं या E2O5 बनाते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री, इसमें प्लस फाइव। एग्जाम्पल लिख दूं मैं इसका, जैसे N2O3 और N2O5, ठीक। जैसे P2O5, अब P2O5 होता नहीं है एक्चुअली, P2O5 डाइमर की फॉर्म में होता है P4O2। तो अगर मैं P2O3 लिखूं, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं इसको, P4O6। अब हम इनका आपस में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर कर रहा हूं। नॉर्मल रूल ये होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम होती है, जैसे मैं ऑक्साइड ले रहा हूं नाइट्रोजन के, NO, NO2, N2O3, उसके बाद N2O4, N2O5, अगर हम इन सब में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो प्लस वन स्टेट, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, किस बेसिस पे बोल रहे हैं अपन, कि पॉजिटिव स्टेट जितना ज्यादा बढ़ेगा, प्लस स्टेट, उतना ही एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर उतनी ही ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला एसिड और देने वाला बेस। तो अपन उसके बेसिस पे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं N2O3 को कंपेयर कर रहा हूं P4O6 से, तो ज्यादा
एसिडिक कौन सा होगा? N2O3। तो ऑक्साइड में एक रूल है कि जब हम इधर जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, और नीचे जाते हैं ग्रुप में तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है। मैं कंपेयर कर रहा हूं N2O5 को किससे? P4O10 से। तो ज्यादा एसिडिक N2। ठीक, N2O5 को कंपेयर करूं N2O3 से तो ज्यादा एसिडिक N2, क्योंकि इसकी स्टेट +3, इसकी स्टेट +5। P4O10 को कंपेयर कर लें हम P4O6 से तो ज्यादा एसिडिक P4O6, क्योंकि यहां +5 स्टेट, यहां +3 स्टेट। ठीक है, तो ये कंपाउंड थे इनके ऑक्साइड्स। तो जनरल प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है, फिजिकल केमिकल। अब इसके जो डिफरेंट कंपाउंड है वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।